करते हैं बहुत सी बातें स्टाइलिंग के हवाले से। और आज हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आज इंशा सैलून से मौजूद होंगी परवीन एंड वी हैव वेरी ब्यूटीफुल मॉडल सुम्बुल और साथ में ही ज़बरदस्त एक्टर होस्ट आरजे और हमारे साथ मौजूद है। और सबसे पहले मैं बात करूंगी फरीन, ये बताएं आपने बड़े अच्छे आउटफिट्स बनाए हुए हैं, स्पेशली महनाज ने जो पहना हुआ है और साथ में सुम्बुल ने पहना, इट्स वेरी नाइस। मतलब मैं देखा बड़े ट्रेंडी से हैं ये, हाँ, तो ये कैसे कैसे मतलब लोग ज्यादा पसंद, क्या मतलब एक एज ग्रुप के लिए या कोई भी पहन सकता है? देखें कोई भी पहन सकता है, वैसे तो हमने हर तरह की जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, देखें अभी तीन डिफरेंट टाइप ऑफ आप ये देख रहे हैं, तुमने भी तो पहना हुआ है, तीनों डिफरेंट टाइप है, ये बिल्कुल प्रिंट पर दे दिया है हमने बिल्कुल। ये अच्छा, जैसे उन्होंने बोला ना कि आजकल जो न्यू जनरेशन की जो लड़की है ना वो यही चाहती है कि हो भी अच्छा सा लगे, हम कैरी भी अच्छा सा कर लें, थोड़ा हमारा उस पे चला जाए जो आप बोल रही हैं कि वेस्टर्न पे, थोड़ा सा वेस्टर्न पे भी लुक चला जाए, बहुत ज्यादा हमने एम्ब्रॉयडरी नहीं दी, थोड़ा वेस्टर्न लुक भी। और लेकिन ऑफकोर्स कि हमारे मुस्लिम कंट्री में पहना जा रहा है पाकिस्तान में, तो हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए फुल स्लीव्स दी हैं, हमने उसको इनर में जो है ना हाफ स्लीव्स दे दी ताकि उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको भी इशू ना हो और वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है ना उसको पहन सके, वो भी खुश हो और उनके पेरेंट्स भी खुश हो, बिल्कुल दोनों जो है ना इजीली। अच्छा मैं फरीन का बताऊँ, फरीन जो है खुद मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और आज जो है जो मेकअप भी करेंगे वो फरीन ही करके दिखाएंगी हमारी मॉडल पर। तो अब हो गया गेम टाइम, छोटा सा गेम है मजेदार सा, आप लोगों से कुछ सवाल आप पूछेंगे और उसके जवाब देने होंगे, तो यू स्टे विद अस। शुरू हो चुका है और मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम गेम खेलेंगे, बड़े मजे की गेम है ये, आप सब लोगों से सवाल करूंगी मैं, सवाल के जवाब पर अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन गलत जवाब दिया तो सजा मिलेगी। हाँ सही जवाब पे कुछ नहीं है लेकिन गलत जवाब पे सजा है। सजा किस टाइप की होगी? आपको बताते हैं, आपको एक बॉक्स, इस बॉक्स में से कोई नंबर चूज करना होगा, उसमें से आपको सजा मिलेगी। हाँ, आपको बताएंगे क्या होगा। अच्छा, इसमें से तो गिफ्ट निकलते हैं। ऐसे गिफ्ट हैं जो सजा के तौर पे हम देते हैं। चले जी, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपने ये बताना है, यस या नो में बताएंगे, अली अजमत जो है वो आपको पता ना, अली अजमत बहुत बड़े बैंड के सिंगर, जुनून के जो है लीड सिंगर, वो क्या कराची में पैदा हुए थे? यस या नो? ओके जी, तीनों का जवाब गलत हुआ क्योंकि वो लाहौर में पैदा हुए थे। आपको कैसे पता वैसे? उनके एक्सेंट से लगता है मुझे। ओके, वो बेसिकली मतलब वहां पंजाब के हैं और ठीक है, और ये पहनकर रखना है पूरे शो में जब तक हम ये सेगमेंट जो एंड नहीं करेंगे। जी अब आप बताएं फरीन। फाइव फाइव फरीन के लिए फाइव। ओ माई गॉड, ओ ये कितनी क्यूट लगेगी। यस यस, यू हैव टू वेयर दिस एंड दिस विल लुक वेरी नाइस ऑन यू, है ना? ये चले, वैसे भी आप तो यूज टू होंगी, कभी कभी तो पहन लेती होंगी ना, वीक्षिक तो आप तो पहन ही लेते होंगे, है ना? है ना, अच्छा वैसे अच्छी लग रही है, पता है बुरी नहीं लग रही वैसे, बात बताओ वो मैच है ना, वो मैच भी कर गई, ये तो गलत आ गया इनके लिए। नहीं ये नहीं, नाजिया आज आपने मेरा स्टाइल हेयर स्टाइल चेंज कर ही दिया, अब तो मुकम्मल ही चेंज हो गया है ना। जी सुम्बुल योर टर्न। 8 इन पर। अच्छा ये क्या बात हो गई, वैसे तो ये मूंछ के साथ है लेकिन आपने जो ना, हाँ ये लेकिन थोड़ा मुंह छुप जाएगा, चलो यहाँ पे रख लो ये, ठीक है बस इधर। सुम्बुल नाउ यू लुक मोर ब्यूटी है ना, और क्या लग रही है, ज्यादा अच्छी लग रही है। चले जी अगला सवाल, ये नो और आप ये सब नो नो क्यों कर रहे हैं? शायद सबका सही हो जाए। एनी अच्छा इनके कैसे अच्छे से। चले अब आप ये बताएं कि गाया किसने था 2010 में? मुझे तामी नमक का वक्त सही से वो था वक्त, आई थिंक समथिंग। अच्छा ये हमारा राइट आंसर। अच्छा जी और आप बताएं, राइट है पहले, राइट है या रॉन्ग है पहले ये तो बता दें। ये बताएं कि गाया किसने था गाना, मतलब उनके कहे आपने नो बोला है तो फिर नो बोला है तो किसने? जेनिफर आई थिंक, जेनिफर ने। नहीं नहीं आप बताएं। आई डोंट नो। शकीरा आप बताएं। आई डोंट नो। जिन्होंने कहा है डोंट नो उन दोनों के जो है मार्क्स कटेंगे और सजा मिलेगी फरीन को और सुम्बुल को, इसलिए कि इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, शकीरा ने गाया था और आपने बता दिया तो वो भी बिल्कुल सही था। आपने जेनिफर लोपेज बोला लेकिन वो मैं आपको इसलिए आपको जो है ना वो गाना सही बताया, माफी दीजिए आपने गाना सही बता दिया। चले जी सुम्बुल, नंबर सिक्स हो गया था? नहीं सिक्स, हमने हरे पे दो दो रखे, हम दोबारा नंबर बता सकती हैं। मेरे पास कैप से क्यों आ रहे हैं? नहीं कैप्स के अलावा भी है। यस कैप के साथ आपने ये जो है ना एंजॉय करना है, अच्छे प्रॉप्स क्लासेस। यस चले जी फरहीन, दिल थाम कर कोई नाच शाना निकल रहा है।
दो होंगे इसमें, एक दे दो उनको। अरे आपके लिए भी ग्लास यार, आप लोग दोनों को अच्छी चीजें मिल रही हैं, दिस इज नॉट फेयर वैसे, है ना। वो तो और भी देखो, उसके तो ग्लासेस भी मैच करके कपड़ों के साथ, ये तो बहुत बुरी बात है भाई। चले जी, अगला सवाल ये बताएगा कि हाई लाइटनिंग जो होती है वो पूरे फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शिमर हाई लाइटनिंग है या हाई लाइटनिंग है पूरे फेस पे इस्तेमाल हो सकती है, शिमरी हाई लाइटनिंग? नो। जिन्होंने नो कहा है उनका जवाब बिल्कुल गलत। क्यों? इसलिए कि पूरे फेस पे कर सकते हैं यूज उसको, मतलब क्यों नहीं कर सकते हैं, मतलब वो हो सकती है यूज, ये अलग बात होती है कि यार वो एक मेकअप आर्टिस्ट जब बता रहा है इसीलिए उसको ये आंसर में सही दे सकती। अच्छा, आई वाज नोटिसिंग फरी कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो कह रहा है यस पूरे फेस पे यूज होती है, और बाकी जो तीन है जबकि आपको पता है नाजिया और सब महनाज को फॉलो कर, नाजिया ने भी किया ना, तीनों ने कॉपी नहीं किया, नाजिया जब भी फर्स्ट आंसर में मैंने उनको कॉपी किया था, मैं जब भी मेरा राउंड था मैं आईब्रोज का सोच रही थी कि आईब्रोज पे कैसी लगेगी वो, नो फुल फेस, पूरा फेस की बात हो रही है। हाँ, पूरे फेस में आईब्रोज भी आते हैं, आईब्रोज पे भी लग जाए, लेकिन आप उसको फिर आप उसको बाद में सही कर सकते हैं, वो तो कोई हर्ज नहीं, मतलब कोई नुकसान दे तो नहीं ना जी। चले सुंबल पहले आप ही सजा, थ्री नंबर की सजा दें इनको। मैं अब और कुछ नहीं वेयर कर सकती। अरे क्यूट है ये, आपने मूंछें भी पहनी है आप, जरा ठीक है अब ये कंप्लीट मुकम्मल हो, नहीं ऐसे नहीं पहनी इसको, प्रॉपर पहने आप। हाँ चले जी इकबाल, आई एम लुकिंग लाइक अ जोकर बनाए इसलिए ना सजा के तौर पे। हाँ जी जरा बताएं कितनी क्यूट लग रही है। चले जी आप वन। वाह, ये तो जो पहनता है वो अच्छा ही लगता है, लेकिन आज पहली बार तो कोई ना सफेद दाढ़ी की साड़ी पहन रहे हैं। चले जी महनाज रह गई जी, अब इनका अब देखते हैं क्या आ रहा है। महनाज रह गई थी, जीत नहीं थी पर यारा। माय गॉड यार, ये पहनने के बाद ना इंसान अब आगे हल्क हल्क फीलिंग करता था थोड़ी सी। चले जी पहने, जबरदस्त हो गए नाजिया, आपके लिए कुछ नहीं है। नहीं मेरे लिए, मैं तो आप लोग को देख रही होती हूँ ना कि आप लोग जो है वो क्या क्या एक्चुअली आप लोग जो है वो कैसे लगेंगे, आपको देखना चाह रहे हैं, मैं ये सब कुछ आपको पहना के देखना चाह रही हूँ। सबसे क्यूट मुझे वैसे जो है ना सुंबल लग रही है, सुंबल। तुम इस मामले में तुम जीत गई हो, ठीक है। ओ बस फिर हाँ, मिलना चाहिए। हाँ फिर आपको मिलना चाहिए, मोहब्बत प्यार जरूर देंगे आपको। चले जी इसके साथ ही अब फरीन का होलिया हम चेंज करेंगे, क्योंकि अभी फरीन किसी और का होलिया चेंज करने वाली है, हमारे साथ होगी मॉडल और फरीन करेंगे मेकअप, यू स्टे विद अस। ऑलराइट, अब फरहीन जो हैं वो सूजी पर आई मेकअप करके बताएंगी कि आखिर आईज को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, और अब ये जो है थोड़ा टिप्स आपको देंगी तो इनसे हम बात भी करते हैं। अच्छा फरहीन, एक तो ये कि सूजी की आंखें आपको कैसी लग रही हैं, क्या इनका जो आई मेकअप जगह है इतनी गुंजाइश है कि अच्छा मेकअप हो सके, और किस टाइप का मेकअप करेंगी? जी सूजी हैज़ रियली प्रिटी आईज, और ये खुद बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, और हमने बैक स्टेज इनका काफ़ी बेस और सब चीज़ें हमने कर ली क्योंकि शॉर्ट टाइम की वजह से, बाकी आईज़ इनकी वाकई बहुत मतलब अच्छे स्पेस हमें मिला हुआ है कि हम इस पर बहुत अच्छे सारे मेकअप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें करना है ड्रेस के हिसाब से, तो बारबी डॉल हमने इनको लुक दिया है बिल्कुल, और लग भी बिल्कुल बारबी नहीं, तो बारबी बहुत जो है ना लाइट पिंक सॉफ्ट शेड पर जो है ना करेंगे, आई मेकअप जस्ट हमने करना है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं वो इन्हेंस करना, तो बस अभी हमने ये जो इनका एक हल्का सा जो आईलेट एरिया है, आईलेट एरिया पे हमने इनको जस्ट पिंक शेड दिया है लाइट सा, और क्योंकि बारबीज को आपको पता है ना, बारबीज बच्चे भी जो बारबीज को पसंद करते हैं तो पिंक कलर्स में बारबीज बहुत अच्छी लगती हैं, और इनका हमने वैसे भी यही आउटफिट के हिसाब से लुक सेलेक्ट किया, जस्ट हमने देखें पिंक हमने इनका लाइट देना है इनके आईलेट एरिया पे, आईज पर पहले एक पिंक कलर सा पूरा दे दिया तुमने लोग, ठीक है ओके। बस अब हमने ये हल्का सा इनको पिंक देने के बाद बस हमने इनके कॉर्नर्स को जो है इन्हेंस करना है थोड़ा सा आईज को, तो कॉर्नर्स हम ब्लेंडेड लाइट ब्राउन के शेड से हम ब्लेंडेड इनके कॉर्नर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें शार्प लुक तो देना नहीं है, तो बहुत सॉफ्ट लुक पे हमने काम करना है, तो ये हमने इनके यहाँ से जो कॉर्नर देने हैं ब्लेंडेड कॉर्नर हैं बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा हम मेकअप कर नहीं रहे, सॉफ्ट लुक पे ही कर रहे हैं, क्योंकि इस आउटफिट पे ना ज़्यादा शार्प मेकअप सूट नहीं करेगा, तो जस्ट हमने बस
लाइट से ये इनकी आईज को हमने प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ से हमने इनके कॉर्नर्स आई कॉर्नर से लेके और ये हमने ब्लेंडेड कर दिया। ठीक है। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा छोटी आईज होती है ना तो हम जस्ट इसको इतने कॉर्नर पे ही ब्लेंडेड रोकते थे, लेकिन जब जैसे इनकी आईज हैं बहुत छोटी भी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं, तो हम इसको यहाँ तक ब्लेंड करेंगे ब्राउन के शेड को। अच्छा, सिर्फ आपने पहले पिंक लिया, उसके पिंक को हमने जस्ट आईलेट पे उससे ही कलर थोड़ा सा डार्कर लेकर, हाँ। बहुत ज्यादा डार्क नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बड़ा बेबी पिंक सा आउटफिट है ना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे तरीके से इसको कॉर्नर्स को ब्लेंड कर दिया। ये देखिए, ब्लेंड होंगे ना, जितना ब्लेंडेड आपका मेकअप होगा ना, हाँ। तो उतना ही खूबसूरत लगेगा। लाइंस नहीं क्रिएट होनी चाहिए आपके आई मेकअप में, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है, और इसलिए फ्लफी ब्रश यूज करते हैं कि वो लाइन से क्रिएट नहीं होती। जी जी बिल्कुल। और ये बस जस्ट हमने जो है ना इनका हाईलाइटिंग देनी है, हमने ब्रो बोन्स जो होती है ना इनकी, जस्ट ब्रो बोन पे हल्का सा हाईलाइटिंग करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना कि शार्प लुक दे, बेबी लुक रखना है इनका बिल्कुल। और अब हमने इनको देखें, कुछ लोग जो है ना लाइनर नहीं भी पसंद करते, और क्या होता है बस इसमें अगर हम जस्ट मस्कारा भी एप्लीकेशन करें ना, हाँ, तो इनका ये भी बहुत खूबसूरत लुक लगेगा। मस्कारा जो है इनकी लैशेस को इनहेंस कर देगा ना, तो लाइनर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम इनकी आई शेप भी ऐसी है, मैंने यही सुना है कि जिनकी बहुत ज्यादा लिफ्टेड आईज होती है ना, उन पे बहुत ज्यादा लैशेज या चीजें ना, वो अपने मस्कारे से भी उनका जो लुक अच्छा आ जाता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं जो है ना इनको हल्का सा लाइनर का टचअप दे रही हूं, क्योंकि वो लैशेस नहीं लग रही ना। हाँ हाँ, लेकिन मैं फिर भी यही बोल रही हूँ कि अगर हम इनको नहीं भी लाइनर का टचअप तो भी सही लगेगा, बहुत खूबसूरत है। जिनकी कहते हैं ना तिरछी आंखें होती हैं, तिरछी, तो उनका एक चल जाता है लाइनर के बगैर भी, लेकिन जिनकी बहुत सॉफ्ट आईज होती हैं, लिफ्टेड नहीं होती हैं, ड्रूपी होती हैं, उनको फिर लाइनर। और लाइनर में भी देखें, हम इनके कोई कॉर्नर्स नहीं निकालेंगे, विंग लाइनर नहीं निकालेंगे। आजकल वैसे भी ट्रेंड में विंग लाइनर जो है ना अभी थोड़ा सा नहीं चल रहा है, लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत शार्प लुक देता है वो। तो जस्ट हमने इनका बस लाइनर इतना देना, सॉफ्ट सा, बिल्कुल लाइट, नेचुरल फीचर्स का नेचुरल बिल्कुल। आपको पता है ना नाजिया, आजकल मेकअप लोग कैसा पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होता पूरा मेकअप है। लोग ये समझते हैं कि जो सॉफ्ट मेकअप में जी है, मेकअप में लगती सारी चीजें हैं, लेकिन नाजिया ये आपने बहुत जबरदस्त बात बोली, क्योंकि मोस्टली क्या होता है क्लाइंट बोलते हैं कि हमें जो है ना सॉफ्ट मेकअप तो करवाना है, तो पेमेंट जो है ना आप हाफ कर लेंगे। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, देखिए आप सॉफ्ट लुक पे भी करवाएंगे आपका मेकअप सब लगेगा, लेकिन वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, और बल्कि और मुश्किल होता है, क्योंकि सॉफ्ट मेकअप करना ना जरा मुश्किल काम होता है, बल्कि जो हैवी मेकअप है वो तो आप आराम से, आपने बहुत ज्यादा थोक दिया, आपने बहुत सारे फ्लॉस छुप जाते हैं, बहुत सोच समझ के करना होता है। सॉफ्ट मेकअप में आपको जो होता है ना, आपके जितने फीचर्स हैं उसको इन्हेंस करना होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके फीचर्स जो हैं वो सही तरीके से इन्हेंस हो, तो ये बड़ा एक मुश्किल एक काम होता है जी। अच्छा, ये हमने इनर कॉर्नर पे भी जो है ना इनको हाईलाइटिंग हल्की सी दे दी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं इनके और करूँगी कि इनके जो है हम जब ये आइज खोलें, आप जरा अपनी सूजी देखें, अब ये आईज खोल रही है ना, तो ओवरऑल इनका ऊपर का तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो इनकी ये लोअर आईज है ना, हम लोअर आईज पे हल्का इनको ताकि वो सूजी भी नहीं लगे, टचअप देंगे, है ना, एक नेचुरल टच। तो थोड़ा सा जो हमने ऊपर बहुत लाइट सॉफ्ट पिंक शेड लिया है ना, तो नीचे का हम थोड़ा सा शार्प करेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा, ताकि इनकी आईज थोड़ी और अच्छी सी एनहांस हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, आजकल अंडर आई पे ना, अभी बीच में तो ट्रेंड चल रहा था बड़ा वाइट का ना, वाइट तो खैर अभी बहुत ख़त्म ही हो गया है, अब ज़्यादा लोग नहीं पसंद कर रहे वाइट को, लेकिन हार्श लुक आता है, हाँ, लेकिन ब्लैक का जो है ना अभी वापस ऑन हो गया है असल में। ये कुछ एक्ट्रेसेस हमारी माशाल्लाह से जो है ना बहुत अच्छे मेकअप करती हैं, बहुत वो लेके आ जाती हैं ट्रेंड अच्छे अच्छे से ना हमारे लिए। अच्छा, थोड़ी सी हमारी मेकअप आर्टिस्ट के लिए आसानियाँ भी कर देती हैं, आपको पता है, क्योंकि वो लाइट सॉफ्ट मेकअप पसंद करती हैं ना एक्ट्रेसेस, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ये आसानियाँ हो जाती हैं कि हम जो है बहुत अच्छा सा सॉफ्ट लुक दे देते हैं, वो हमें भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट एक इस चीज़ में मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इस बारे में ये करती हूँ कि एक्ट्रेसेस जो होती हैं ना वो क्या करती हैं, वो वन आई शेड लगा कर और फिर फिल्टर्स लगा कर वो तस्वीरें खींच लेती हैं, ठीक है, हाँ, है। अब मुश्किल पड़ती है जब कॉमन कोई इंसान आता है, वो कहता है जी वन आई शेड लगा दें, लेकिन जब वन आई शेड लगाते हैं नेचुरली वो एक्सरसाइज भी कर रही हैं, वो डाइट कंट्रोल भी कर रही हैं, उनकी सूजन भी फेस पर नहीं है, तो वो उनके ऊपर अच्छी लगती हैं चीज़ें। लेकिन जो आप पे सूट करें ना बेसिकली आप वो चीज़ करें, मतलब ये नहीं कि इस तरह तो खाली काजल लगा कर भी नॉर्मल लगता है, बट यू हैव टू लुक गुड अपने फीचर्स को इनहेंस करके। अब ये देखें, बस जस्ट हमने इनको बहुत अच्छा लाइनर भी ना थोड़ा सा ब्लेंडेड ही रखा है, बहुत ज़्यादा उसकी लाइंस क्रिएट नहीं की हैं, और ये अब हमने जस्ट इनके लैशेस को
मस्कारा लगा के इनहेंस कर दिया है। अच्छा इनकी लैशेज माशाल्लाह से हैं भी बहुत अच्छी, हमें फेक लैशेज लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा मेरी वैसे भी क्लाइंट से यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आपकी खुद की लैशेज अच्छी हो ना तो आप फेक लैशेज को अवॉइड करें। बट यू हैव टू पुट गुड मस्कारा एंड उसको अच्छे तरीके से लगाने का तरीका जो है ना मस्कारे का वो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये क्लाइंट जो है ना अक्सर ऐसा होता है आईज खोल के मस्कारा लगा रही होती हैं, कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी जो हमारी न्यू बिगनर्स हैं तो उनको मस्कारा क्या होता है कि क्लाइंट की आईज खोलती हैं मस्कारा लगाना शुरू हो जाती है तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आप हमेशा आईज को क्लोज करके और फिर आप मस्कारे को एनहांस करें। ठीक है, अच्छा अब आप क्या लगा रही हैं आपको? अच्छा नाजिया देखें, जैसे मैंने आपको कहा ना कि एंड्रॉय या व्हाइट का ट्रेंड चला गया क्योंकि बहुत शार्प लुक देता है। यू आर यूजिंग कलर एक्चुअली, तो अब हम इस तरह के कलर जैसे मैंने आपको कहा ब्लैक कलर आजकल आईज के अंदर इनर आईज जो है ना बहुत लोग पसंद कर रहे हैं एंड्रॉय ना, तो मैंने ना इनको अच्छा ब्लैक के अलावा भी जाहिर सी बात है हमें कुछ कलर्स हैं जो हम हमें लेने चाहिए हम दे सकते हैं, तो मैंने इनको जस्ट ब्लू का शेड जो है बहुत अच्छा लग रहा है बताइए, और मैं मोस्टली ब्लू और ग्रीन जो है ना एक बड़ा यूज करते हैं लेकिन अच्छा लग रहा है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। देखिए बहुत सिंपल सॉफ्ट सा जो है ना हमने आई मेकअप जस्ट क्रिएट कर दिया है जिसमें हमने इनर इनकी ब्लू किया है, नीचे इनका पिंक है और ब्राउन से इनका हमने कॉर्नर्स किए, हल्का सा हमने ब्रो को हाईलाइट किया है ब्रो बोन को और बाकी मस्कारे ने तो माशाल्लाह इनकी लैशेज इतनी खूबसूरत है कि मस्कारे ने उसको और बहुत अच्छी टिप्स आपने दी हैं आज आई मेकअप के हवाले से, और स्पेशली आई लव द आइडिया जो कलर पेंसिल है और उन्होंने डार्क ब्लू यूज़ किया है जो बहुत नेवी ब्लू ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो टेक्निक्स है ये आप घर पर अप्लाई करें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। थैंक यू सो मच फरहीन, बहुत अच्छा लगा आज आप शो में आएँ। ये आउटफिट भी आपका अपना ही है, अपना ही डिज़ाइन किया हुआ है, ये इंशा सलोन के ही ब्रांड का आउटफिट भी है और मेकअप तो आपने देख आप दोनों चीजें कर रही हैं, मतलब आप डिजाइनर भी हैं और आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और साथ साथ जिस तरह वॉक होगी मॉडल्स की वो इंशा सैलून की भी होगी और साथ आप हमारे साथ ही रहें, मैं आपसे लूंगी इजाजत।